आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मैहर से दर्शन करके लौट रहे दर्शनार्थियों से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। घटना मैहर ओवरब्रिज के समीप की बताई जा रही है। घटना की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। घायलों को एम्बुलेंस एवं डायल 100 की मदद से सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसमें कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार यह सभी यात्री रीवा जिले के गुड़ तहसील अंतर्गत सिलचट गांव के हैं। ये सभी रविवार रात्रि में सिलचट से मैहर के लिए रवाना हुए थे। सभी यात्री चैत्र नवरात्रि में मां शारदा के दर्शनों के लिए गए थे। सोमवार की सुबह लगभग 10 बजे दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तभी मैहर मंदिर के कुछ दूर ओवरब्रिज के समीप तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। स्थानीय लोगों के द्वारा डायल 100 में सूचना दी गई। मकर पहुंची पुलिस के द्वारा सभी घायलों को सिविल हॉस्पिटल मैहर में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। घायलों में ओम प्रकाश केवट, पिता रामदयाल केवट उम्र 23 वर्ष निवासी सिलचट, महेश केवट, पिता शिवलाल केवट उम्र 19 वर्ष निवासी सिलचट, कंपा केवट, पिता बुद्धसेन केवट उम्र 35 वर्ष निवासी सिलचट, सुनीता केवट, पति कंपा केवट उम्र 30 वर्ष निवासी सिलचट, बबिया केवट, पिता राम नारायण केवट उम्र 32 वर्ष निवासी सिलचट। इन सभी घायलों का इलाज जारी है। गाड़ी आना नहीं आज गाड़ी आ।